दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में दो ट्रेजिडी ऐसी हुई हैं जिन्होंने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। नंबर वन, मेरे हाथ का एक्सीडेंट, और नंबर टू, मेरे दादाजी की डेथ। पहला केस है इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मेरा दाहिना हाथ कटना, और दूसरा केस है मेरे दादाजी का एक्सीडेंट। इन दोनों हादसों के बीच में 2 साल का गैप है। मेरे हाथ का एक्सीडेंट हुआ था 2013 में और दादाजी की डेथ हुई थी 2015 में। यार, ये वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे हाथ का एक्सीडेंट हुए 10 से 12 साल हो गए। मैं उस दर्द को बार बार भूलने का ट्राई करता हूँ, लेकिन लोग भूलने नहीं देते। जिसे देखो यही पूछता रहता है कि हाथ में क्या हुआ। जिस आदमी को इसके बारे में 50 बार बता चुका हूँ, वो भी बार बार पूछता है। चलो, जिसे नहीं पता उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको कई बार बता चुका हूँ उनका क्या, अब तो आदत सी बन चुकी है डेली 4 लोगों को बताने की। इस हादसे से बहुत लोग दुखी हुए, लेकिन जितने दुखी मेरे दादाजी हुए थे शायद ही कोई हुआ होगा, माँ बाप को छोड़कर। इस एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग तो मुझे ही ब्लेम कर रहे थे। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि हादसा पूछकर या बताकर नहीं होता। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी होगा। किसी के साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मैंने सोचा इस टॉपिक पर ये वीडियो बना दूं, कम से कम कुछ लोग तो पूछना बंद करेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि मेरे हाथ की प्रॉब्लम बचपन से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल ही था। मैं आज आपको यही बताऊंगा कि आखिर कैसे मुझे अपना दाहिना हाथ गंवाना पड़ा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात साफ कर दें कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी के दुखों का एक छोटा सा हिस्सा है। ये मेरी आप बीती है। दोस्तों, अगर किसी के अंदर पैदाइशी या बचपन से ही कोई कमी रहती है, जैसे कोई डिसेबिलिटी, तो उतना दुख नहीं होता। लेकिन हमारे पास अगर कोई चीज़ हमेशा से हो और वो चीज़ अचानक से छिन जाए तो बहुत तकलीफ होती है। अभी तो मैं ये किस्सा जल्दी जल्दी बताऊंगा, लेकिन आगे चलकर इस पर एक पॉडकास्ट बनाऊंगा, तब एक एक डिटेल शेयर करूंगा। एक नाम बता रहा हूँ, इराक। इस नाम को याद रखिएगा। इराक मेरे खालू के बड़े भाई के लड़के हैं। दोस्तों, मैंने उस एक्सीडेंट के बाद से जो डिप्रेशन झेला है और कहीं ना कहीं अब भी झेल ही रहा हूँ, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिसके ऊपर जो बीतती है उसका दर्द, जिसके ऊपर बीत रही है वो समझ सकता है, या तो जिसके ऊपर बीत चुकी है वो समझ सकता है। बाकी लोग तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दुख जता देते हैं। मेरा दर्द वही समझ सकता है जो पैदा तो अच्छा खासा हुआ, पला बढ़ा, 15 साल तक नॉर्मल लाइफ गुजारी, फिर अचानक से अपना दाहिना हाथ गंवा बैठा। ये हादसा हुआ था साल 2013 में, जब मैं अपनी फैमिली के साथ मुंबई घूमने गया था। वो मनहूस तारीख थी 21 नवंबर, और दिन था बुध का। हम लोग खाला के यहाँ रुके थे, जिससे 200-300 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा मॉल है जिसका नाम है फिनिक्स मॉल। तो उस दिन हम लोगों का वहाँ घूमने का प्लान था। पहले हम लोगों का ये प्लान बना कि दोपहर में खाना खाने के बाद जाएंगे, फिर करते करते शाम होने लगी। आप तो औरतों का काम जानते ही होंगे। मैं सुबह से ही वेट करते करते थक गया था। जब शाम के 4 बज गए तो मैंने सोचा कि चलो मैं मॉल चला जाता हूँ और ये लोग आराम से आएंगे। मुझे बहुत तेज टॉयलेट लगी थी, इसलिए मैंने टॉयलेट यूज़ किया और मॉल के लिए निकल गया। मैंने उस टाइम एक गलती कर दी। उस वक्त मेरे पास नोकिया का फ़ोन था जिसमें सिम नहीं थी, तो मैंने खाला की सिम निकाल कर अपने फ़ोन में लगा ली ताकि इंटरनेट चला सकूं। क्योंकि मुझे 2006 से ही इंटरनेट का चस्का लग गया था, मैंने सिम लगाई और मॉल के लिए निकल गया। मैं मॉल पहुंचने वाला ही था, उस मॉल के पीछे एक मैदान है जो लाल मैदान के नाम से जाना जाता है। उसी मैदान में इराक क्रिकेट खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर बैठ कर घर वालों का वेट कर लेता हूँ। उस मैदान में 3 टीम्स मैच खेल रही थी, मतलब कुछ लोग एक तरफ मैच खेल रहे थे तो कुछ लोग दूसरी तरफ, और कुछ लोग थोड़ा हटकर। मैदान में 3 फीट की दीवार थी जो कहीं कहीं पर गिरी हुई थी तो कहीं साबुत थी। मैं उसी दीवार पर बैठकर मैच देखने लगा और उन लोगों का वेट करने लगा। कुछ ही पल बीते होंगे कि मुझे फिर से टॉयलेट आ गई, जबकि मैं कुछ देर पहले ही घर से टॉयलेट करके निकला था। कहते हैं ना कि अगर कुछ होने वाला रहता है तो वो होकर ही रहता है। अब जाहिर सी बात है कि मैं 200-300 मीटर वापस घर जाकर तो टॉयलेट करता नहीं, और उस टाइम मैंने ये भी सोचा कि जब सब लोग मॉल आने की तैयारी में हैं तो हो सकता है कि घर में ताला लगा हो। या तो मेरे पास एक और ऑप्शन था कि मैं मॉल में जाकर टॉयलेट करता। भले ही मैदान मॉल के पीछे था, लेकिन थोड़ी दूरी तो थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैदान के किनारे जाकर एक कोने में ही टॉयलेट कर लेता हूँ। जब मैं कोने में गया तो देखा तो वहाँ कुछ कॉलेज के स्टूडेंट सिगरेट पी रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से लौट गया। उसके बगल में ही एक टूटा फूटा सा कमरा था, तो मैंने सोचा चलो यहीं पर कर लेते हैं। मेरी जगह अगर आप भी होते तो शायद आप भी वही करते। मैं उस कमरे के अंदर गया और टॉयलेट के लिए चेन खोली, फिर टॉयलेट किया और चेन बंद किया। जब मैं वहां से निकलने लगा
तो मेरे पैर पर ठोकर लगी और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैंने सहारा लेने के लिए वहीं पर मौजूद एक मशीन जैसी चीज पर हाथ रख दिया। दोस्तों, मुझे इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो है क्या। वो मशीन देखने में पियानो की तरह लग रही थी, जिस पर काफी धूल जमी हुई थी। मेरे हाथ रखते ही मुझे जोर का झटका लगा, मेरी पूरी बॉडी हिल गई और मेरा हाथ उसी मशीन पर लगे तेल से भरे बॉक्स में चला गया। मुझे काफी देर तक करंट लगता रहा, जहां जहां तेल की छींटे पड़ी बुरी तरह से जल गया। काफी देर तक करंट लगने के बाद उस मशीन का फ्यूज उड़ गया। मशीन का फ्यूज उड़ते ही मुझे बहुत जोरों से झटका लगा और मैं उस मशीन से काफी दूर मौजूद 4 से 5 फीट गहरे गड्ढे में जाकर गिरा। गड्ढे में काफी ज्यादा लोहे की सरिया निकली थी, लेकिन ऊपर वाले के रहमो करम से मुझे उन सरियों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं कुछ देर तक उसी गड्ढे में पड़ा रहा। मुझे यहां तक होश नहीं था कि मैं हूं कौन, मुझे क्या हुआ है। उधर मैदान में सब लोग इतने बिजी थे कि किसी को कोई खबर ही नहीं थी। मैं कुछ ही देर बाद खुद से उठा और उस गहरे गड्ढे से बाहर निकला। आप जरा सोच कर देखिए कि जब हमें घर का 220 वोल्ट का झटका लगता है तो भी हमारी जान निकल जाती है। 11,000 वोल्ट का झटका तो पल भर में इंसानों को धुआं बना देता है, और मुझे 65,000 वोल्ट का झटका लगा था। सबसे अजीब बात तो ये है कि वो जो ट्रांसफार्मर लगा था रिलायंस पावर जैसी कंपनी का था, जिसके मालिक है मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी। वहां ना तो कोई साइन बोर्ड था, ना कोई खतरे का निशान, दरवाजा तक नहीं था, कमरा भी टूटा हुआ था। इतना बड़ा ट्रांसफार्मर तो रख दिया, लेकिन कोई सेफ्टी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ मेरे साथ ही हादसा हुआ, मुझसे पहले 2 लोग मर चुके थे और 4-5 लोग बुरी तरह जल चुके थे। मेरा हादसा होने के बाद वहां पर कई चेंजेस हुए, जैसे मैदान में बाउंड्री कर दी गई, कमरा भी पैक कर दिया गया। लेकिन ये काम पहले भी तो हो सकते थे, शायद मैं और मेरे जैसे लोग बच जाते। मेरा हादसा काफी चर्चे में आ गया था, तब कहीं जाकर कंपनी ने ये कदम उठाए। आज वो कंपाउंड पूरी तरह से पैक हो चुका है। मैंने उस टाइम जो दर्द झेला था आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गड्ढे से निकलने के बाद मुझे ऐसा दर्द हो रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये आप मेरे हाथ की फोटो देख रहे हैं, जिसमें आप मेरे दाहिने हाथ की हालत देख सकते हैं। मेरे हाथ की 3 उंगलियां तेल के बॉक्स में पिघल गई थी, हाथ की जितनी भी नसें थी बुरी तरह जल गई थी, यहाँ तक हड्डियां दब गई थी। असल में वो मशीन एक ट्रांसफार्मर था, जिससे उस इलाके में और इतने बड़े मॉल में बिजली सप्लाई होती थी। उसमें तेल भी भरा था, जिसका टेम्परेचर हजारों डिग्रीज का रहा होगा। जो हमारे यूपी के ट्रांसफार्मर होते हैं वो कुछ इस तरह दिखते हैं, लेकिन वो ट्रांसफार्मर बिल्कुल अलग था। मेरे पास हाथ की वीडियो भी है, लेकिन वीडियो डालने से मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगी, उसके बाद वीडियो भी ब्लॉक हो सकती है और मेरा चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। इसीलिए आपको वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ रहा है। आज भी उस दर्द के बारे में सोचने भर से मेरी रूह तक कांप जाती है। जब मैं उस कमरे से निकला उसके कुछ देर बाद इराक दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया और मुझे घर की तरफ ले जाने लगा। हम लोग 50 से 60 मीटर चले ही थे कि मेरी अम्मी और खाला मिल गई। जब उन लोगों ने मुझे देखा तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इसे हुआ क्या है, क्योंकि उस टाइम तक मेरा हाथ ऐसा हो गया था जैसे किसी ने मेरे हाथ को ग्रीस से कवर कर दिया हो। उन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था और मेरी जान निकली जा रही थी। देखते देखते वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गए। कोई बोल रहा था इस हॉस्पिटल ले जाओ, कोई बोल रहा था उस हॉस्पिटल। उस टाइम जगह पर गाड़ियां तो बहुत सी खड़ी थी, लेकिन सबके ड्राइवर्स गायब थे। इतने में एक ऑटो वाला आता है, जिस पर मैं, मेरी अम्मी और खाला बैठकर घाट कोपर ईस्ट के राजावाड़ी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उस टाइम मेरे फादर किसी से मिलने कहीं बाहर गए थे और मेरे खालू भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। मेरी खाला ये चाहती थी कि खालू या मेरे फादर से कॉन्टेक्ट हो जाए, लेकिन खाला की सिम तो मैंने लगाई थी और मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं अपनी मोबाइल निकालूं। मेरी अम्मी का फ़ोन घर पर था, शायद खाला ने किसी का फ़ोन लेकर खालू से कॉन्टेक्ट किया और इस मामले को बताया, और शायद उधर इराक ने भी कई लोगों से कॉन्टेक्ट करके इस मामले की इत्तला दी। कुछ ही देर में हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और मेरा दर्द से बुरा हाल था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने देखा तो वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इसे हुआ क्या है। डॉक्टर्स मेरा केस लेने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने एक डॉक्टर से बोला कि मुझे कोई इंजेक्शन लगा दे जिससे मेरा दर्द कम हो जाए, या तो मैं बेहोश हो जाऊं। लेकिन उन लोगों ने इतना भयानक एक्सीडेंट इससे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो लोग कोई फैसला लेने में हिचक रहे थे। मेरे बार बार कहने के बाद वो डॉक्टर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाने को तैयार हो गया, जिससे मेरा दर्द कम हो जाता। उसने मुझे नॉर्मल डोज का इंजेक्शन लगा दिया। 15 मिनट बीतने के बाद भी मेरे दर्द में कोई कमी नहीं आई, तो मैंने डॉक्टर से बोला कि दर्द अभी भी हो रहा है। वो डॉक्टर थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो मॉर्फिन का हाई डोज का इंजेक्शन लाता है और वो भी मुझे लगा देता है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था
कि मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे करंट लगा था शाम 5 बजे के करीब और इस वक्त तक बज गया था 7। राजावाड़ी के डॉक्टर्स ने मुझे साइन हॉस्पिटल ले जाने के लिए रिकमेंड किया। तब तक मेरे फादर और खालू दोनों ही लोग राजावाड़ी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उसके बाद हम लोग साइन हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे की कहानी बहुत ही शॉकिंग है, जो अगले पार्ट में बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने आप लोगों से आज तक कुछ नहीं मांगा है, आज कुछ मांग रहा हूँ। अगर आपको मुझसे थोड़ा भी प्यार या लगाव है तो इस वीडियो को हर तरफ फैला दें, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।